अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूनिक आफी। आज हम बनाने जा रहे हैं शॉर्ट कमीज एंड प्लाजो पैंट। ये देखिए, ये हमारा बटर क्रेप मटेरियल है, ये सीक्वेंस है। फ्रंट का रहेगा हमारा कमीज, लेस हम इस पे लेस लगाएंगे। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा कमीज का फ्रंट है, सीक्वेंस मटेरियल। इसकी लेंथ है 34 इंच, हम 34 रखेंगे तैयार। चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। शोल्डर है हमारा 7.5, 8 इंच हम नीचे उतरेंगे शोल्डर से, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 10.5 तैयार है, 1.5 इंच मार्जिंग। पेट पे वेस्ट पे हमारा है 10 इंच, 1.5 इंच मार्जिंग। हिप है 11 इंच प्लस 1 इंच मार्जिंग। यहाँ पे देखिए हम टक्स डालेंगे, यहाँ वर्क किया हुआ नहीं है, टक्स के लिए दिया है इतना स्पेस, तो हम यहाँ पे टक्स डाल देंगे। चलिए ये हो चुका है हमारा, अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ इसकी। हमारी लाइन जितनी नीचे से थी हमने इतनी ले ली, अभी हमें नीचे लेस भी लगाना है, इनर भी लगाना है। चलिए अब ये तो हो गई हमारी कटिंग, अब हम इनर की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इनर पे कपड़ा अपना ये रख लिया है, अब यही हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सीक्वेंस वाला सिर्फ फ्रंट में रहेगा बस, बाकी हम 4 फोल्ड रख के इसको कट करेंगे। देखिए अब हमारा ये कट चुका है। चलिए हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले गला काटेंगे 2.5 इंच और लेंथ में हमें 6 इंच रखना है। ये 8 इंच है, ये 8 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 6 इंच रखेंगे। अब हम इसको गोल शेप में ही रखेंगे। हमने सिर्फ ये दिखे वाला सीक्वेंस वाला गला काटा है, अब हम वो रखेंगे इनर का कपड़ा। ये देखिए हमारा 6 इंच का गला कट गया, ये 8 इंच था, ये बहुत बड़ा हो जाता है गला, तो हमने 6 इंच रखा है। अब हम इनर रखेंगे इसके ऊपर। अब जो हमने काटा था उस पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, यहां से हम बराबर रख लेंगे। ये देखिए हमारा टाचनी लगा लिया है हमने, अब हम इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। कम से कम हमें 1/2 इंच छोड़ के सिलाई करना है, जैसे हम नॉर्मल गले में लगाते हैं, इसमें कैनवास नहीं लगेगा, ये हम डायरेक्ट ऐसे ही सिलेंगे। अब मैं आपको ये देखिए गला सिल के हो गया, अब हम इसे काटेंगे। अब हल्का हल्का सी चटका लगा देंगे कैची का। ये देखिए हमारा काट के भी हो गया है, अब हम इसको पलटी कर देंगे। ये देखिए हमारा गला ऐसे आएगा। चलिए अब बैक गला लगाते हैं। ये हमारा पीछे का कपड़ा है, अब हम इसकी गले की पट्टी काटेंगे। हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, गले की पट्टी काटना है। लेंथ में हम लेंगे 5 इंच और चौड़ाई में लेंगे हम 2.5 इंच और इसको गोल शेप दे देंगे, राउंड। हम पीछे का गला राउंड बना रहे हैं, अब इसे कट करेंगे। और ये पट्टी को भी हम गोल काटेंगे। हम पट्टी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा बैग कपड़े में इनर तो है नहीं, इसीलिए हम ये लगा रहे हैं।
अब इसको भी गोल शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा गोल गला। अब हम कपड़े पे अटैच कर लेंगे इसे। ये देखिए हमें पट्टी लगाना है, कम से कम आधा इंच की सिलाई पे हमें सिलना है, आधा इंच के कपड़े पे लेके सिलना है हमें। चलिए अब सिल के बताते हैं इसे। ये देखिए हमारा सिलाई लगा के हो गया है। अब हम ये फोल्ड करेंगे पट्टी, जो गला पट्टी है, गला पट्टी पूरी ऐसी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पट्टी लगा के हो गया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर कैसे अटैच करना है देखिए, ये हमारी पट्टी है जो अंदर जाएगी, ये वाला इनर का कपड़ा है जो अंदर जाएगा, तो हमें ऐसे रखना है। ये बीच का निशान जो अटैच किया है पट्टी, ये और ये बराबर होनी चाहिए। ये ऐसे सिलाई लगाएंगे हम सीधा। मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए हमारा गला लगा के हो गया है। ये हमारी पीछे की पट्टी है, ये फ्रंट का इनर है, देख सकते हैं आप दोनों साइड लग गई है। अब हम फोल्ड करेंगे इसे ऐसे। हमारा जो शोल्डर का है वो अंदर चला जाएगा, जैसे हम आगे पीछे पट्टी लगाते हैं वैसे ही होगा। अब हम इस पे दाब सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा गला अटैच हो गया, बैठ गया है दाब सिलाई से। पीछे हम तुरपाई कर देंगे। अब हम आगे का पल्ला छाटेंगे, आगे की बगल फिटिंग के आगे से हम थोड़ा सी लेंगे, कम से कम आधा इंच लेके चलना है। अब हम पहले इधर एक सिलाई लगा लेंगे अंदर से। ये देख सकते हैं इतना गैप है, तो हमें हमारा इतनी सिलाई आएगी, टक्स आ जाएगा। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे फिर फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने टक्स डाल लिया है। अब हम फिटिंग करेंगे। स्लीव्स हम बाद में लगाएंगे, गोल बैठाएंगे स्लीव्स, पहले हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए निशान, जो हमारा मार्जिन डेढ़ डेढ़ इंच है, डेढ़ यहाँ डेढ़ यहाँ, एक इंच हिप के पास है। चलिए हम फिटिंग करके बताते हैं दोनों साइड। हमारा फिटिंग करके हो गया है। अब हम चाक बनाएंगे ऐसे, डबल फोल्ड करके दोनों साइड चाक बना लेंगे। ये देखिए हमारा चाक मोड़ के हो गया है। अब हम अंदर का अस्तर, जो हमारा इनर है, उसकी एक सिलाई लगा देंगे, इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फोल्ड हो चुका है। अब हम नीचे के बॉटम फोल्ड करेंगे, उसके बाद लेस लगाएंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया नीचे। अब हम साइड में जो हमारा चाक था उधर डबल सिलाई लगा लेंगे, सिर्फ नीचे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें लेस लगानी है, और बैक में लेस नहीं लगाएंगे तो हम पीछे भी डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा डबल सिलाई लगा के हो गया, साइड में डबल लग गई है, फ्रंट में भी, बैक में भी, बैक में हमने पीछे भी लगा लिया है। अब हम लेस लगाएंगे, साइड से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर लगाएंगे ऐसे, पूरी पूरे दामन में लगाना है हमें आगे सिर्फ। ये देखिए हमारा ये कमीज रेडी हो गया है, बस हमारी स्लीव्स लगाना बाकी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए उसकी स्लीव्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये देखिए हमारा कमीज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में स्लीव्स का।